हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक ब्लॉग्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं बाल तोड़ के बारे में, जिसे हम बॉयज वीक कहते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हेयर फॉलिकल हमारी त्वचा में पाया जाने वाला एक ऑर्गन होता है जिससे बाल निकलता है। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा देता हूँ, आप इसे ध्यान से देखें। दोस्तों, आप सभी को एक हेयर फॉलिकल की पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसके बीचों बीच एक बाल बाल निकला हुआ दिख रहा होगा, जिसके दोनों साइड एक सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होता है, जिसमें से पसीना निकलता है। और जब ये बाल निकल जाता है या टूट जाता है या गिर जाता है, उसमें बैक्टीरिया, और जब वो पसीना गिरता है, जब वो बैक्टीरिया उसे इन्फेक्शन क्रिएट करता है। दोस्तों, जब हेयर फॉलिकल में से बाल टूट जाता है तो उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, और पसीने के कारण और बैक्टीरिया के कारण वहां पर इन्फेक्शन बन जाता है। फिर उसके बाद उसमें पस भर जाता है, और जब पस भरने के बाद वो सिस्ट बन जाता है। सिस्ट बनने के बाद वो फोड़ा फोड़े के रूप में आपको दिखाई देता है। दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम केसेस के बारे में, कि वो होता किस तरह से है, उसके साइन और सिम्टम्स बताएंगे आपको, और उसकी जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसमें क्या क्या काम करती है और क्या रोल करती है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं फिर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया कि जब हेयर फॉलिकल से बाल टूट जाता है तो वहां एक बेंड बन जाता है, जिससे वहां खाली जगह हो जाती है और वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया दो तरीके के उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, एक स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, और वहां पे इन्फेक्शन वो क्रिएट करते हैं। फॉलिकल में जाकर वो अटैक करता है और वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जहां पर वो पस फॉर्मेशन बन जाता है। पस फॉर्मेशन होने के बाद वहां पे मवाद जमा होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये बॉयल की समस्या ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वो रोग से लड़ नहीं पाती, और उसके कारण यहाँ पर बॉयल बार बार उन्हें होता रहता है, मतलब बाल तोड़ उन्हें बार बार होता रहता है। जैसे कि डायबिटीज का पेशेंट, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो चुकी होती है तो वो उन्हें दोबारा बार बार होती रहती है। और जैसे और एक पेशेंट का नाम हम बताते हैं, जैसे एचआईवी भी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है और जिसे बाल तोड़ बार बार होता रहता है। और दोस्तों, जैसे कि कोई मोटा होता है, मोटे लोग होते हैं, उन लोग को भी बार बार ये चीज होती रहती है, क्योंकि उनमें उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और जैसे कि कुछ लोग मसाले ज्यादा खाते हैं, तीखा खाते हैं, ऑयली चीज फूड खाते हैं, उनको भी ये चीज बार बार हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं बॉयल के साइन और सिम्टम्स की तरफ, कि होते कैसे हैं और वो दिखते कैसे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब मैंने फोटो लगा रखी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। तो जहां आप देख रहे होंगे कि वहां पर लाल कलर का निशान पड़ चुका है, और अब वहां पर आपको ऐसा दर्द होगा कि जो आपको सहन नहीं होगा, और 6 से 12 घंटे बाद वह लाल से पीलापन में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर पस फॉर्मेशन होने लगेगा, जैसे मतलब उसको मवाद कहते हैं, मवाद बनने लगेगा और वहां पर बंप जैसा बन जाएगा। दोस्तों, आप सबने देखा होगा जब बाल तोड़ हो जाता है तो स्ट्रक्चर पर एक उभरा हुआ निशान बन जाता है, और जिसमें इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर रेडनेस हो जाती है, लाल रंग दिखाई देता है, और वहां पर बहुत ही पेन होता है छूने से, जो हमें सहन भी नहीं कर पाते, और उसके बाद वहां पर स्वेलिंग हो जाती है। दोस्तों, जैसे आपको यहाँ पर बॉयल हुआ है तो आपको वहां पर हीट महसूस होगी, मतलब जैसे अगर छुएंगे तो आपको गर्मी सी महसूस होगी। और दोस्तों, वहां पर आपको लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन मतलब आपको वहां पर कुछ भी महसूस करना बंद हो जाएगा, जैसे आप कोई भी चीज से वो काम नहीं कर पाएंगे, या तो वो आपका ऑर्गन वो काम नहीं करेगा आपका, या तो आप बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा जिससे वो काम कर नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको टेंडर महसूस होगी, टेंडर के अंदर आपको वहां पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, इतना दर्द होगा कि आप वहां पे सहन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बॉयल के अंदर और उसमें पस जमा होता रहेगा, और पस निकालने के लिए हमें वहां पे ड्रेनेज करना पड़ेगा, और जिस कारण ड्रेनेज करने से वहां पर खड्डा हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर बॉयल हुआ है आपके, अगर यहाँ पर हम ड्रेनेज करेंगे, पस निकालेंगे, तो वहां पर वो खड्डा हो सकता है। स्किन जुलस टाइप की हो जाती है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है, लेकिन एक निशान अपना छोड़ जाती है जिसे हम कहते हैं स्कार, और स्कार को जाने में धीरे थोड़ा टाइम लगता है। और दोस्तों, जब बॉयल होता है तो उससे पहले हल्का सा आपको बुखार भी आ सकता है, जैसे फीवर, और उसके बाद आपको थोड़ा सा जैसे हेड पेन और बॉडी पेन, मतलब सर दर्द और शरीर दर्द भी हो जाता है, और आपको सिर्फ सर में कुछ झंझनाहट सी हो सकती है। और जब बॉडी पेन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हमें ये मेडिसिन लेकर ठीक करना पड़ता है। दोस्तों, तो हम चलते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ, कि बॉयल पर होम्योपैथी मेडिसिन काम क्या करती है। दोस्तों, एक फॉर्मूला है मेरे पास जिससे आप ये चारों मेडिसिन याद कर पाए, मतलब जो बॉयल में काम आती है और इफेक्ट ज्यादा करती है। तो जैसे आप BHMS
वैसे BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, लेकिन इसके अंदर एक अलग फॉर्मूला है। BHMS का मतलब होता है B फॉर बेलाडोना, H फॉर हेपरसल और S फॉर साइलेसिया और M फॉर मक्सोल। ये चारों मेडिसिन बॉयल के अंदर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इनका काम लेकिन चारों का अलग अलग है, मतलब जैसे कुछ सिम्टम्स आएंगे तो उनके ऊपर अलग अलग मेडिसिन हम फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे ये समझाऊंगा कि इन चारों का मेडिसिन का कैसे कैसे अलग अलग बॉयल पर काम है। तो दोस्तों हम चलते हैं बेलाडोना की तरफ। दोस्तों बेलाडोना आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। तो शुरुआत में अगर आपके 3 सिम्टम दिखाए थे तो आप बेलाडोना जरूर लें, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जैसे पहला सिम्टम है हमारा पेन, अगर आपको जगह उस जगह बहुत ज्यादा पेन हो रहा है जिससे जो आपको सहन नहीं हो रहा तो आपको ये लेनी है। और दूसरा सिम्टम है हीट, अगर आपको छूने से वहां पर गर्म महसूस हो रहा है तो आपको लेना बेलाडोना। और तीसरा हमारा साइन है रेडनेस, अगर आपको वहां लालपन सा दिखाई देता है तो आपको लेनी है बेलाडोना। ये 3 साइन इन्फ्लेमेशन के साइन है जिसमें हमको बेलाडोना लेनी है। अगर ये 3 साइन आपको पहले ही दिख जाए बाल तोड़ के अंदर या किसी भी बॉयल के अंदर तो मतलब आपको ये मेडिसिन लेनी, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्ट करती है इन चीजों पे, जिससे ये आगे वो चीज को खत्म कर धीरे धीरे खत्म कर देती है और वहां पर पस फॉर्मेशन होने नहीं देती, और अगर होता भी है तो मतलब वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी सूख जाता है। आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी में दिन में 2 बूंद लेनी है, दिन में 4 से 5 बार। और दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको तीन साइन आपको दिखाई दे इन्फ्लेमेशन वाले और अगर इसमें पस फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना। अब दोस्तों हम चलते हैं हिपरसल्फ की तरफ। दोस्तों हिपरसल्फ इस चीज में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है बॉयल के अंदर। तो दोस्तों इसको 2 तरीके से हम ले सकते हैं, और इसका पहला तरीका है लो पोटेंसी। दोस्तों आपको हिपरसल्फ लो पोटेंसी मतलब 6 CH में लेनी है, और जब आपको दोस्तों इस बॉयल के अंदर आपको पस बन चुका है मतलब उसको आपको धीरे धीरे निकालना है तो आपको 6H पोटेंसी काम आएगी, जिससे वो धीरे धीरे पस निकाल भी देगी और वो सूख के खत्म हो जाएगा। और दोस्तों 6H मतलब 6H पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हिपरसल्फ के अंदर, जिससे धीरे धीरे बॉयल ठीक हो जाता है। दोस्तों आपको कितनी मात्रा में लेनी है, 2 बूंद हर 2 घंटे के अंदर आपको लेनी है, सिर्फ 2 दिन तक, 2 से ज्यादा ना ले जिससे वो पस फॉर्मेशन दोबारा बढ़ा देगा, इसलिए आप सिर्फ इसको 2 दिन तक ले। और दोस्तों अगर आपको ये सुबह आप लेते हैं तो शाम तक पस निकल जाएगा, और आपको इसे फिर कैलेंडुला क्यू से आपको इसको साफ करना है। और दोस्तों कैलेंडुला क्यू से आप किस तरह साफ करना है, जैसे आपका ये बॉयल है आपको कैलेंडुला की रुई लेनी है, उसको कैलेंडुला पूरा डुबोना है आपको, फिर इसको इस तरीके से जो ऑयल हो चुका है उसको दबा दबा के आपको पूरा तरीके से निकालना है, और आपको फिर जैसे ड्रेसिंग बोलते हैं ना रुई वगैरह से लेकर साफ कर देना है, और फिर इसको दोबारा नई रुई लें उसे साफ करें और से उसके ऊपर इसको रखकर पट्टी वगैरह ड्रेसिंग आपको जो मतलब करनी है आप उस तरीके से कर दें, और जैसे एक दिन बाद उसको हटा दें तो जैसे आपका मतलब वो पूरा बैठ चुका होगा और धीरे तरीके से चला जाएगा। दोस्तों तो अभी आपने ली हिपरसल्फ की कम पोटेंसी, अब आपको ले ली हिपरसल्फ की हाई पोटेंसी। जब वो पस निकल चुका है उसको सुखाने के लिए 200 पोटेंसी में इसको आप लें, उसको लेना है 2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह लेना है, दोपहर को लेना है और शाम को लेना है। दोस्तों अब हम चलते हैं मक्सोल की तरफ। मक्सोल ये बेलाडोना और हिपरसल्फ की बीच की मेडिसिन है, मतलब उसके जो बीच के साइन दिखाई देते हैं उनके ऊपर लेते हैं। अगर आपको पस फॉर्मेशन कम हुआ है मतलब मवाद कम जमा हुआ है तो मतलब आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। आपको दोस्तों मक्सोल लेनी है 30 पोटेंसी के अंदर, 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, सुबह सुबह दोपहर और रात को लेनी है, एक एक बार आपको मक्सोल लेनी है। दोस्तों मक्सोल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, अगर आपको दोस्तों बेलाडोना से कर उसमें बेलाडोना काम नहीं कर पाती है तो आप मक्सोल भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं साइलेसिया की तरफ। दोस्तों साइलेसिया को होम्योपैथी के अंदर सर्जन नाइफ भी माना जाता है, क्योंकि ये बिना कटे इंसान कोई भी चीज को जैसे बॉयल होता है उसको उसमें से पस निकाल। तो साइलेसिया को हम जब लेते हैं जब पस फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा हो गया है और पेशेंट को बहुत ही दर्द हो रहा है, उधर से कहरा रहा है और वो चाहता है कि तुरंत पस निकल जाए मतलब बवाद निकल जाए जिससे उसको आराम मिल जाए, तो दोस्तों हम साइलेसिया की 200 पोटेंसी में उसे देते हैं। दोस्तों साइलेसिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पस को तुरंत ही निकालने के लिए, तो आपको इसको दोस्तों इसमें साइलेसिया देना है 200 पोटेंसी के अंदर। दोस्तों साइलेसिया को होम्योपैथी में सर्जन नाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि जब उस सर्जन उसे कट लगाकर मवाद निकाला जाता है तो उसे पेशेंट को बहुत दर्द होता है और साइलेसिया के अंदर हमें कट लगाए बिना वो पस निकल जाता है, इसीलिए साइलेसिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है पस को बाहर निकालने के लिए। दोस्तों आपको साइलेसिया को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है 200 पोटेंसी के अंदर, सिर्फ आप एक या दो बार इसका डोज ले लिए
और अगर आप रात को सोते वक्त इसे एक एक डोज ले लेते हैं, जैसे 2 बूंद इसके लेके पीछे सो जाइए, तो सुबह तक आपका पस सारा निकल जाएगा और आपको फिर से कैलेंडर लेकर उसे साफ कर लेना है। आपको बताया था इसे कैलेंडर से लेकर साफ कैसे करना है, मतलब अगर ये बॉयल आपका पस निकल गया है तो इसे कैलेंडर से लेकर तब कैलेंडुला में इसको रुई को डुबाकर अगर साफ रुई लीजिए प्लीज, और उसको साफ ऐसे कर लीजिए इस तरीके से, और फिर इसको भी पट्टी वगैरह कर। दोस्तों अब आपको साइलेंसर लेने की कोई जरूरत नहीं है जब वो पस निकल चुका है और वो साफ हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद आप लें हिपर सल्फ, जिससे वो घास सूख जाएगा और आपको दोबारा नहीं होगा, जहां तक है वहां तक नहीं होगा, और आपको मतलब वहां पे बिल्कुल जो निशान बना है वो धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों ये थी BHMS मतलब बेलाडोना, हिपर सल्फ, मक्सोल और साइलेसिया। दोस्तों ये चारों मेडिसिन है, ये बॉयल के अंदर मतलब बाल तोड़ के अंदर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जरूर आप इसे लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप चाहे मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।